ये बच्चा 12 जनवरी 2024 को, 12 जनवरी 2024 यही डेट थी जो मैं बता रहा हूँ जी, यही डेट थी 12 डेट को ये बच्चा चारपाई से गिरा। ये बच्चा चारपाई से नीचे गिरा। इस बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया जी, बताएं मैम। इस बच्चे ने इस कदर रोना चलाना शुरू कर दिया कि हम इसको देखकर रो रहे थे। ये हम डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कहा इसे फौरन इमरजेंसी ले जाए, हॉस्पिटल में ले जाए। और जब एक्सरे हुआ तो हमने देखा कि इसकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। जब एक्सरे हुआ तो एकदम हलचल पैदा हो गई कि बच्चे की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। उन्होंने हड्डी को अपनी जगह पर सेट करके उसके ऊपर पट्टी की प्लास्टर किया और बच्चे को उन्होंने घर में भेज दिया। और बच्चा घर में आकर रोता था, परेशान करता था। तकरीबन इन्होंने 7 दिन 8 दिन जो इन्होंने कहा दिन के बाद हॉस्पिटल के अंदर रहना, और बच्चे ने 2-3 दिन इस कदर परेशान किया कि पूरी पूरी रात वो बच्चा रोता रहता था। इससे पहले के पट्टी करवाने के लिए जाते, दोबारा चेकअप करवाने के लिए जाते तो भाई मुख्तार से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको जो अजरा होते हैं, जो हड्डी जोड़ने वाले, उनके पास लेकर जाते हैं। उनका मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ जाता हूँ, मैं लेकर जाता हूँ। तो उसने पता क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया सर, उसने कहा जो प्लास्टर चिल्ड्रन वालों ने किया है वो परफेक्ट है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। जी भाई मुख्तार। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये छोटा बच्चा है, इसके टिश्यू बहुत नरम है और हड्डी भी इस कदर फ्रैक्चर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हॉस्पिटल ही आपके लिए परफेक्ट है। हड्डी इस कदर फ्रैक्चर थी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बच्चे की कंडीशन थी, गौर से देखिएगा, ये कंडीशन है वो बच्चे की और ये हड्डी उसकी फ्रैक्चर है। कितनों को नजर आ रहा है ये हड्डी, आपको स्पेस नजर आ रही हड्डी के अंदर। उसके बाद ये दूसरा व्यू है, एपी लेटर दोनों आ रही हड्डी सर। उसके बाद ये हड्डी की स्पेस है और ये बच्चे की कंडीशन है, कपड़े फाड़ कर इसको बनाने पड़ते थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और ये बच्चा कपड़े चेंज करते वक्त इतना रोता था और अभी तो बड़ी मुश्किल इसको इस कंडीशन में रखा हुआ है। ये आपने देखा प्लास्टर लगा हुआ बच्चे को, कितनों पे नजर आ रहा है, ये रात का समय है, ये प्लास्टर के साथ भी आपको हड्डी नजर आ रही है कि हड्डी हड्डी से अलग है, नजर आ रही है हड्डी हड्डी से अलग है। और उसके बाद ये देखिए वहां पर वो क्लियर चीज क्लियरेंस नहीं है, हड्डी के अंदर कितना स्पेस है जी, कितना स्पेस है। आपको लगता है कि ये हड्डी प्लास्टर के अंदर जुड़ी है, ये हड्डी प्लास्टर के अंदर जुड़ी, डॉक्टर ने वेरीफाई किया है कि इसको फौरन प्लास्टर लगाएंगे, ये हड्डी जुड़ेगी और 8 दिन के बाद आप दोबारा चेक करवाने आएंगे, फिर हम एक्सरे करेंगे। और ये जब उसके बाद दोबारा गए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जाकर दोबारा चेकअप करवाया और उन्होंने एक्सरे किया और एक्सरे के अंदर नजर आया ये वो एक्सरे है जो प्लास्टर के साथ हुआ। और एक्सरे के अंदर उन्होंने एकदम झटका, एक नया झटका दे दिया कि बच्चा जो है वो अभी तक फ्रैक्चर ही है, बच्चे की हड्डी अभी तक हड्डी के साथ। जो सर्जन था उसने कहा कि जो कुछ हुआ है, जिसने ये काम किया है उसी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, उसने काम ठीक नहीं किया, बच्चे का अब दोबारा हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, एक नया झटका क्या करना पड़ेगा। जब ये खबर इन्होंने सुनाई तो फिर हमने बैठ कर खुदा की हजूरी में बच्चे को रात को एक बार वापस ले आए, उन्होंने कहा जी एडमिट करना है, हमने एक बार बच्चे को वापस लाए और उसके बाद हमने रात बैठ कर मैंने और मेरी टीम में खुदा की हजूरी में प्रेयर की, हम मुसलसल प्रेयर करते रहे। और एंड पे क्या हुआ, खुदा के रू ने ये बताया, मैंने जो टीम के लोग बैठे थे मेरे पास, मैंने उनको ये बात कही थी कि खुदा इतनी कुदरत का मालिक है कि डॉक्टरों के अल्फाज ये भी हो सकते हैं कि बच्चे की हड्डी ऑपरेशन के बगैर छूट चुकी है। वक्त से पहले
इनसे पहले मैंने ये कहा था कि वक्त पर खुदा ऐसी कुदरत रखता है, यीशु मसीह के लहू के अंदर क्रिएशन है, यीशु मसीह के लहू के अंदर ऐसी कुदरत है जो इंसान की अकल समझ से बाला पर है। हड्डी के अंदर स्पेस है, हॉस्पिटल चले गए, बच्चा एडमिट है, कोई मंडे का ऑपरेशन का टाइम है और डॉक्टर बता रहे कि हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसका टेस्ट किया और इस बच्चे की एचपी जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ी कम है और बच्चे को जो है हमने बेहोश करना है, जिसकी वजह से बाजूकात बच्चे वापस होश भी नहीं आते, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, पहले इसके ब्लड का अरेंज किया जाए, इसको ब्लड लगाएंगे। एक नई प्रॉब्लम यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि हम बाजूकात एक झटके में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। क्या यीशु मसीह ने कहा था कि बिना नागा हम, और ब्लड का अरेंज नहीं हो रहा, ऐसा ग्रुप है जो बहुत कम लोगों को, ए बी पॉजिटिव ग्रुप था और वो मिल नहीं रहा था, और रात ख्वाब के अंदर जो इस बच्चे की दादी है उसने देखा कि भाई पलूस जो है वो हॉस्पिटल से किसी ने उनका हाथ पकड़ा है और वो देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से वो बंदा निकाल रहा, वो कह रहा है कि तू क्यों खून का अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, मैंने नहीं खून का अरेंज होने दिया। जब ये बात सुनी तो मैं हॉस्पिटल के अंदर जाकर बैठ गया, मैंने कहा मैं देखूंगा कैसे अपनी स्वरूप पाएगा। कितने लोगों को इन्होंने कॉल किया लेकिन ब्लड का रेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल ग्रुप था। और हुआ क्या, जैसे ही खुदा ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, बंदा खुद एक बंदे को साथ लेकर उसने खुद कॉल किया, उसने कहा मैं एक बंदे को ढूंढ चुका हूं जिसका ए बी पॉजिटिव ग्रुप है, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आऊं, मैं उतनी देर तक हॉस्पिटल से उठा नहीं जितनी देर तक उसका ब्लड निकल नहीं गया और ब्लड सेव नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूं कि जब चैलेंज होता है तो चैलेंज को चैलेंज करना पड़े। आमीन। आज से 9 दिन हॉस्पिटल के अंदर हुए हैं और हॉस्पिटल के अंदर जो कंडीशन थी वो बहन बताएगी क्या कंडीशन थी वहां पर। हम बहुत मुश्किल था हॉस्पिटल में रहना, मैं कहती थी कि इतनी एज में मैं इतने बड़े दुख किसके देख रही हूं। मैंने सुना था कि ब्लड के बाद उस बच्चा कसूर करता है, कुछ कर नहीं करता। जब ब्लड इसके अंदर जा रहा था तो मैं रो रही थी और दुआ कर रही थी, खुदा मैं ये तेरा लहू है जो इसके अंदर जा रहा है। लोगों ने कहा कि ब्लड जो है बच्चे को, डॉक्टर कहते हैं कि सूट करता है, कभी नहीं करता, बच्चे एकदम जो है वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, ब्लड लगने से भी परेशान करने की कोशिश की। और फिर ब्लड भाई बहन ने मुझे बताया कि औरतें वहां पर जो छोटे छोटे बैठते बच्चों के, औरतें उनके साथ रहती थी और वो कहती थी अगर बच्चे का ऑपरेशन जल्दी ना हुआ तो इस बच्चे के अंदर हड्डी के और दोनों हड्डियों के अंदर गोश्त आ जाएगा, मांस आ जाएगा और बच्चे की हड्डी के अंदर स्पेस रहेगी, दोबारा इसकी हड्डी जुड़ना नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं जुड़ पाएगी। इस तरह टॉर्चर बार बार, और मंडे के बाद बुध को ऑपरेशन फिर डिले हुआ। उन्होंने कहा अब हम अभी भी नहीं इसका ऑपरेशन करेंगे, बच्चे को हल्की सी जो है वो कफ खांसी आई है, हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर ऑपरेशन डिले हो गया। भाई अंदर वहां के एम्प्लॉय है, इनको पता, इन्होंने डॉक्टर के साथ डिस्कस की, बड़ी इन्होंने बहस की, लेकिन डॉक्टर क्या कहते थे कि भाई हम ऐसा रिस्क वो कह रहे थे कि हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। जब इन्होंने डॉक्टर के साथ बहस मुबासा किया है क्योंकि वहां के एम्प्लॉय है, तो डॉक्टर ने इन्हें कहा कि भाई आपकी बात हम मान लेते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। एक मंडे को ऑपरेशन कैंसिल, डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, बुध को ऑपरेशन कैंसिल, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, माँ बच्चे की रो रही है, वहां पर किसी और के पास बच्चा रहना पसंद नहीं करता। लेकिन उसके बाद फ्राइडे का टाइम था और फ्राइडे से पहले डॉक्टर राउंड पर आया है, थर्सडे को यानी जुमे रात को डॉक्टर जो है वो राउंड पर आया है। और ये बहन बताती है कि मैं कभी कोई सिरप दे रही हूँ बच्चे को, कभी कोई मेडिसिन दे रही हूँ, उन्होंने एंटीबायोटिक वहां पर लगाई है लेकिन बच्चे की खांसी जो है फिर भी कहीं ना कहीं आती है, मैंने कभी किसी
सी कोई मेडिसिन दी। मैंने कहा एक बार ये बच्चा डॉक्टर के सामने स्टेबल नजर आए, खांसी जरा भी ना करे, तो हम फ्राइडे तक का ऑपरेशन है, हमारा ऑपरेशन हो जाए, हमारी जान छूटे, हम घर चले जाए। कितनी परेशान थी, इतनी परेशानी के अंदर डॉक्टर आया और डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहन आप कह रही हमें दूसरा भी किया पर है, हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, आप इस तरह करो इसका प्लास्टर उतारो और इसका दोबारा एक्सरे करवाओ, उसके बाद हम सोचते हैं। जैसे ही प्लास्टर उतारा और एक्सरे वाले के पास भाई अमजद लेकर गए और इनके साथ भाई पलूस थे, ये बहन थी, जब ये एक्सरे करवाकर वहां पर आए तो वहां पर डॉक्टर ने एक्सरे देकर ऑनलाइन एक्सरे उनके पास आता है, डॉक्टर ने एक्सरे देकर एकदम हैरान कर चौंका देने वाली बात की। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आपको ऑपरेशन में नहीं जाएगा, इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं होगा, इस बच्चे का ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चा अच्छे से जुड़ चुकी है कि ना तो इसको प्लास्टर लगेगा और ना ही इसका ऑपरेट होगा, आपको अभी छुट्टी है, आप घर जा सकते हैं। और तीन और तीन औरत पड़ी हुई थी और ये वही बच्चा था जो ऐसे ही आया, तो ये खुदा उनके नाम को जलाल है। ये वो हड्डी है जो प्लास्टर खुलने के बाद है, ये हड्डी हड्डी के साथ जुड़ चुकी है और मुस्लिम लोगों ने वहां पर कहा, मुस्लिम औरतों ने वहां पर कहा कि सप्रा बहन आपका खुदावन जिंदा खुदावन है, वो काफ़ी खुदावन है। जैसे जैसे ये खबर टीम के अंदर पहुंची, इन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था आपने, क्या माइक ले, आपने क्या कहा था वही बताना जो आप उस वक्त कहा था। मैं मेरी जिंदगी का पहला मौजा है कि मैंने सुना है कि खुदा हड्डियों को भी जोड़ देता है। इन्होंने ये भी कहा कि आज तक सुना कहीं ना कहीं से जरूर था कि खुदा ऐसे मौजज़ात करता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा हमारे चर्च के अंदर हमारी दुआओं के वसीला से खुदा ने ऐसा मुमकिन किया।